अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई भारत जाती पाकिस्तान ने अपने मिशन का आगाज कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले वार्म अप मैच के लिए पाकिस्तान की जो टीम है उसका भी फैसला हो चुका है। तो भाई कौन सी टीम होने वाली है आज हमारा मौजूद मैच यही होने वाला है। हालांकि भाई आपको ये सिंपल मैच लग रहा होगा कि ये वार्म अप मैच है, नहीं भाई, बिल्कुल प्रिपरेशन के हिसाब से ये तगड़ा मैच है। पाकिस्तान अपने 4 मैचेस, पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है समझे, उसका आगाज हैदराबाद से होने जा रहा है। पाकिस्तान 4 मैचेस इंक्लूडेड 2 और जो वार्म अप मैचेस हैं, तो पाकिस्तान खेलने जा रहा है हैदराबाद के अंदर। पहला जो वार्म अप मैच है वो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दूसरा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो यानी कि वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा पाकिस्तान टीम का नेदरलैंड के खिलाफ, और फिर 10 अक्टूबर को पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका के साथ, वो भी होगा हैदराबाद में। तो जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होने वाली है, पाकिस्तान के जितने भी स्क्वाड ऐसे हैं प्लेयर, उन सबको मौका दिया जाएगा। यानी कि जो 15-19 स्क्वाड बन रहा है, तमाम प्लेयरों को मौका दिया जाएगा, और जो स्पेशली बल्लेबाज है वो बैटिंग करेंगे और जो गेंदबाज है वो बॉलिंग करेंगे। तो इससे जो प्रिपरेशन है वो तगड़ी हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर कोई भी ये नहीं होगा कि सिर्फ आपने 11 प्लेयर ही डिसाइड करने और 11 के साथ ही आप खेलेंगे, चाहे आप गेंदबाज रख लें या बल्लेबाज रख लें, नहीं, आपका जिस प्लेयर को लेकर दिल करता है उससे आप बैटिंग करवा सकते हैं और जो गेंदबाज आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। इससे इससे फायदा ये होगा पाकिस्तान का, स्पेशली जो गेंदबाजी की कॉम्बिनेशन है कि नई बॉल के साथ कौन पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी करेगा। तो ये बाबर आजम के पास 2 बड़े मौके हैं कि बाबर आजम इनमें सेट कर पाए। नीदरलैंड वाला मैच भी आसान है, तो यानी कि पाकिस्तान इन 3 मैचेस के अंदर, और श्रीलंका वाला मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके बाद इंडिया के साथ मैच है, तो यानी कि आप बड़े मैचों से पहले अपना जो कॉम्बिनेशन है वो सेट कर पाएंगे। स्पेशली पाकिस्तानी फैंस नई बॉल के साथ तो किसी बॉलर को यानी कि बॉल करते हुए देखना चाहते हैं कि ऐसा गेंदबाज कौन है जो शाहीन की हेल्प करेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल बाबर आजम बिल्कुल पुरउम्मीद है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो भारतीय सरजमीन पर उनका ये पहला एक्सपीरियंस है। लेट्स सी देखते हैं कैसे रहता है। अपडेट्स अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।